हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबकी बिंदास अमृता सिंह, मैं बनाने जा रही पकौड़ी। हैप्पी छोटी होली। आज है छोटी होली। ये हम पकौड़े बना रहे हैं। ये केला के पकौड़े काटी हूँ, ये लौकी की, इसमें गोभी और आलू काट के रखी, और ये देखिए बेसन का घोल बनाने के लिए लहसुन और अदरक साफ करके रखी। तब तक पेस्ट बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर प्याज साफ करके रखिए, प्याज के पकौड़ा बनाएंगे हम। इधर आलू बॉयल करके और मसल के रखी हूँ, इसका आलू चप बनाऊंगी, ठीक है। और ये देखिए, मैंने कटोरे में बेसन ले ली हूँ। अब इसमें डालूंगी जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखी हूँ, वो डालूंगी। ये मैंने इसमें डाला एक चम्मच मिक्स मसाला। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार अपने। देखिए मैंने मसाला सब डाल दिया। अब इसको घोलूंगी पानी डाल के। अब इसको सब मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। देखिए हम इसको अच्छे से, पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो ज्यादा पतला हो जाएगा लिक्विड। मिक्स करते हैं सबको अच्छे से, बिल्कुल फेंट लेंगे। ये देखिए हमारा बेसन का घोल तैयार है। अब हम इसमें क्रिस्पी होने के लिए चावल का आटा डालते हैं थोड़ा सा। इससे बहुत क्रिस्पी होता है, खाने में अच्छा लगता है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हम बिना नमक वाला पकौड़ी छान के रखे हैं, बरी को बरी बोलते हैं, बिना नमक का। पूजा में जाएगा, समझ चलेगा तो वहां ले जाके हम डालते हैं, पूजा होता है। ये देखिए हम बेसन तैयार करके रखे हुए थे। इधर कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़ी फ्राई करेंगे। पहले मैं फ्राई करती हूँ लौकी की। अब डालती हूँ केला। और अब डालती हूँ आलू की। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि कच्चा न रहे। फ्राई होने देते हैं इसको। ये देखिए हमारा पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। फिर फ्राई हो जाएगा तो हम बाकी लोगों को टेस्ट कराएंगे। आपको भी टेस्ट करना है तो आप भी कर सकते हैं, और कमेंट करके ये बताएं किसके किसके यहाँ होली का दहन पे पकौड़े बनते हैं। हमारे यहाँ तो बनता है, हम बना रहे हैं। देखिए हमारा पकौड़ा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं, फिर हम खाएंगे। पकौड़े निकाल लिए हैं। ये देखिए जो आलू चप के लिए मैं आलू उबाल के और मसल के रखी थी, उसमें मैं डाली हूँ काट के हरी मिर्च और प्याज और थोड़ा सा हल्दी ताकि कलर आ जाए। और अब इसकी मैं टिक्की बना बना के रख रही हूँ, फिर इसको मैं बेसन में लपेट के फ्राई करूंगी तो दिखाऊंगी।
देखिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ पहले। ये देखिए मैं प्याज के पकौड़े बनाने जा रही हूँ। इसमें बेसन ले ली, थोड़ा सा चावल का आटा ले ली हूँ, प्याज डाल ली और मसाला डालती हूँ। नमक डाल दिया आधा चम्मच, सॉरी हल्दी, नमक डाल दी स्वाद के अनुसार। अब इसमें मैं डालती हूँ एक चम्मच मिक्स मसाला। पानी डाल के मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं इसको मसल लेती हूँ। देखिए फ्राई हो रहा है। देखिए हमारा पकौड़ी फ्राई हो रहा है, देखिए फ्राई हो रहा है। ये देखिए मेरे प्याज के पकौड़े भी फ्राई हो गए। देखिए हमारा पकौड़ा फ्राई हो गया है। अब हम ये हमने सारे पकौड़ी तो बना लिया और आज है होलिका दहन, तो खाने में बनता है कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल के लिए बड़ी मैंने बना लिया है और इधर कढ़ी बन रहा। बाय दोस्तों।